अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश टिक्का की रेसिपी, क्योंकि अभी विंटर्स है और विंटर्स में फ़िश बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ही इजी सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ 500 ग्राम फ़िश ले ली है और ये बोनलेस फ़िश है, बगैर कांटे की फ़िश है। मैंने इसे आटे से और नमक से अच्छे से वॉश करके रख लिया था। आप भी जब इसे वॉश करें तो इसको आटे से वॉश करें, इसकी से स्मेल पूरी तरीके से चले जाती है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 नींबू का रस, आप चाहें तो हाफ नींबू का रस डाल दें, और अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह विनेगर डाल दें। अब इन सबको अच्छे से मिला के मैं 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, नमक और नींबू का टेस्ट फिश में बहुत अच्छे से उतर जाएगा अंदर तक। अब हमें इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए, अब हम इसकी सेकंड प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप दही ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बेसन। बेसन डालने से हमारी जो फिश की कोटिंग है वो नहीं निकलेगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर पाउडर। फिर इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और नमक डालते समय आप ध्यान रखें कि हमने फिश में भी नमक डाला था, तो इस टाइम आप नमक थोड़ा कम डालें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, तो ये हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें हम फिश को मैरिनेट करेंगे, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी फ़िश जो हमने नमक और नींबू लगा के रखी थी। अब सारे मसाले को फ़िश के ऊपर हम बहुत अच्छे से लगा लेंगे, फ़िश के ऊपर सारा मसाला अच्छे से लगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो मैंने फ़िश को बाहर निकाल लिया और इसे रखे हुए 1 घंटा हो गया था। अब एक पैन में मैं डालूंगी 2 टीस्पून के करीब ऑयल, आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई फ़िश डाल दूंगी 1 बाय 1 करके, और इसे स्लो या मीडियम हीट पर मैं फ्राई कर लूंगी, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, और इसे इस तरह से हम लो टू मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़िश कितने अच्छे से फ्राई होने लगी, और जो उसका सारा मसाला था वो भी पूरा सूख चुका है। अब मैं इसमें दूंगी स्मोकी फ्लेवर। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक छोटे से बाउल में मैं यहाँ पर जलता हुआ कोयला रख दूंगी यानी चारकोल रख दूंगी इसके ऊपर, जो मैंने पहले से गरम करने रख दिया था, और इसके ऊपर मैं गरम गरम घी डाल दूंगी या बटर डाल दें, आप जो भी आपके पास हो आप डाल दें, और इसे फ़ौरन से कवर कर दें। इसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, और ये प्रोसेस आपको फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद करनी है, यानी जब हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी उसके बाद आप गैस बंद कर दें और उसके बाद ये प्रोसेस करें। 15 मिनट इसे रखे हुए हो गए, अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे, और आप देख सकते हैं धुआं इसका पूरी तरीके से गायब हो चुका है, और हमारी फ़िश बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इस फिश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसे गर्म गर्म सर्व कर लेंगे, और मैं यहाँ इसको वुडन स्टिक के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो बगैर वुडन स्टिक के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए इस पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती डाल दी है, और थोड़े से प्याज के स्लाइसेस, और नींबू के साथ इसको मैंने गार्निश करके सर्व कर लिया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।